कानपुर में बीते शुक्रवार को हिंसा के बाद कई इलाकों में तनाव का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि आरएएफ और पीएसी के जवान भारी तादाद में लगे हुए हैं। कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है, जिसको लेकर कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने भारी संख्या में फोर्स के साथ परेड चौराहे से लेकर यतीम खाना होते हुए तलाक महल, रूपम, चमनगंज के साथ साथ कई इलाकों तक फ्लैग मार्च किया और जनता से अपील की कि किसी प्रकार की हिंसा ना होने पाए, शहर में अमन चैन बनाए रखें। कानपुर से प्रवीण सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज हमने जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन सबके साथ जिलाधिकारी और मैंने मीटिंग करी और उस मीटिंग में सभी ने आश्वस्त किया है कि पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग, उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिए में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से, भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। सभी ने सहयोग का वादा किया है और पुलिस मुस्तैद है, पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं और जगह जगह पर पिकेट्स और हमारी पीआरवी गाड़ियां लगाई हैं और हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब कुछ, सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रही है। सर,